आगरा कॉलेज में छात्राओं की पढ़ाई की गंभीरता में लेते हुए कॉलेज के प्राचार्य द्वारा अध्यापकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। पढ़ाई प्रभावित ना होने को लेकर आगरा कॉलेज के नाम से एक ऐप बनाया गया। इस ऐप के माध्यम से छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सभी टीचरों को अपनी अपनी विषय पढ़ाने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए। ट्रेनिंग थी और क्या सीखा है, क्या स्टार्ट होने जा रहा है? देखिए, जो COVID-19 के कारण से एक चुनौती पूरे विश्व को मिली है और उसमें हमारी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, तो इस चुनौती को, इस आपदा को अवसर के रूप में बदलने का प्रयास आगरा कॉलेज द्वारा किया जा रहा है। हमारे विद्यार्थियों का शिक्षा कार्य प्रभावित न हो, उनकी पढ़ाई में वो पीछे न रहे, इसके लिए आगरा कॉलेज ने एक आगरा कॉलेज ऐप के नाम से ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक ऐप डेवलप किया है और उसी ऐप का आज यहाँ पे जो अपने महाविद्यालय के शिक्षक गण हैं उनके सामने उसका प्रदर्शन था, उसका प्रदर्शन करके उसका प्रशिक्षण आज यहाँ पे दिया गया है कि इस ऐप की क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार से बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा, किस प्रकार से टीचिंग की जाएगी और किस प्रकार से स्टडी मटेरियल हम अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं, एक बार में कितने स्टूडेंट जोड़ सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी आज यहाँ पर जो जिन लोगों ने ये ऐप डेवलप किया है उन्होंने हमारे शिक्षकों को दी। हमारे जो शिक्षकों की कई सारे क्वेश्चन थे, उनकी क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को भी प्रशिक्षणकर्ताओं ने अपने जवाब से संतुष्ट किया। ठीक है, कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का एक ये ट्रेनिंग सेशन आज हुआ है और इसमें आगरा कॉलेज ने एक ऐप डेवलप कराया है अपना, उसका नाम है आगरा कॉलेज है, वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहाँ से लोग डाउनलोड कर लेंगे। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ये प्रोवाइड कर देगा कि सारे टीचर का क्या पासवर्ड होगा, क्या लॉगिन आईडी होगा, स्टूडेंट का भी हम यहाँ से करा देंगे। हर सेक्शन वाइज बन जाएगा इसके ऊपर कि ये बीएससी क्लास है, ये सेक्शन वाइज हर एक का बच्चे का इंटर हो जाएगा, तो हर बच्चा अपने अपने लॉगिन आईडी से और अपने अपने पासवर्ड से ऊपर। उसके बाद उसमें जैसे सुविधा इन्होंने जो दिया है, इसमें एक तो दिया है कि आप कोई चीज जैसे PDF वगैरह जितने मटेरियल वगैरह स्टडी मटेरियल है वो सब लोड कर सकते हैं, इसमें लोड कर देंगे और वो बच्चा उस क्लास का वहां से जाके अपना डाउनलोड कर ले, पढ़े उसको। फिर इसके बाद क्विज की सुविधा दी है इन्होंने कि जब चाहे आप लाइव उस पर क्विज कर सकते हैं। तीसरा, लाइव क्लास करने के लिए इसी ऐप पर सुविधा दिया है इन्होंने कि हम सीधे जुड़ सकते हैं जूम से या गूगल मीट से या माइक्रोसॉफ्ट का भी एक कोई प्लेटफॉर्म है, तीनों में से किसी से भी आप जुड़ करके अपना पहले से क्लास शुरू कर देंगे तो आपके बच्चे जो होंगे उसे जुड़ जाएंगे और लाइव पढ़ा सकते हैं। तो ये किस तरह की पेचीदियां सामने आ रही है? पेचीदियां देखिए, ये थोड़ा सा नया तरीका है, ये मतलब हम लोगों के लिए कि कॉलेज में इतने सालों से पुराना कॉलेज है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो रहा नहीं था, तो उसकी एक ट्रेनिंग की बात है, बेसिक ट्रेनिंग की बात है और कोई पेचीदियां नहीं, सब सीख जाएंगे लोग। लेकिन ये करेंगे कि लोगों को डिपार्टमेंट वाइज बुला करके फिर से छोटे छोटे ग्रुप में फिर से उसको जिसकी जो डिफिकल्टी हो वो अपना कर लेगा तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें। तो यूनिवर्सिटी पहला कॉलेज होगा या कुछ और? नहीं, हम लोग अपना अपना कर रहे होंगे अपने तरह से, ऐप हम लोगों ने डेवलप कराया है जी। हाँ, और अपना अपना तरह से कुछ न कुछ तरीका और भी है, तरीके लोग कर ही रहे होंगे, बाहर रहेंगे। ऑनलाइन क्लास ऐसे मान के चलिए आपको एक वीक कम से कम लगेगा, ये सारा सेक्शन वगैरह सब लोड हो जाए, इस पे टीचर्स का बन जाए, एक वीक कम से कम अभी लगेगा। और एडमिशन का काम अभी चल भी रहा है, सबका हो भी नहीं गया, एडमिशन जब से होगा तो जितना हो जाए, जैसे बीएससी पार्ट वन के एडमिशन जितने हो गए हैं उतने तो हम शुरू कर लेंगे और एक हफ्ते के अंदर जी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।